हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो गाइस, फाइनली चबूतरा का एक और व्लॉग आ गया है, जिसमें चबूतरा ने बिना किसी कंटेंट का एक लंबा चौड़ा कंटेंट और कंटेंट के साथ एक पूरा प्रॉपर व्लॉग डाल दिया है, जिसमें कंटेंट पुल करके आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज इनका कुछ प्लान नहीं था। ऐसे तो हमेशा इनका व्लॉग स्क्रिप्टेड रहता है, सब कुछ पहले से प्री प्लान रहता है, स्क्रिप्ट तैयार रहती है, उसके बाद सब कुछ एक एक करके सब कोई डायलॉग बोलते हैं एंड डायलॉग बोलने के बाद इनका प्रॉपर व्लॉग आता है। लेकिन आज का इनका व्लॉग देख करके लगा कि नहीं 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 इनके पास कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था, कुछ भी प्री प्लान नहीं था। अचानक से ही इन लोगों ने सडनली मूड बनाया कि कोई व्लॉग नहीं है, व्लॉग में डालने के लिए कुछ कंटेंट नहीं है, तो चलो ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं, कंटेंट भी मिल जाएगा एंड व्लॉग भी हो जाएगा एंड हमेशा की तरह घूमना फिरना, बाहर खाना खाना, कपड़े खरीदना, यही इनका मेन कंटेंट है। तो कंटेंट सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है गुटखा किंग के क्रेडिट कार्ड से। मतलब क्रेडिट कार्ड वाले लोग गुटखा किंग को बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि आप हमसे क्रेडिट कार्ड ले लो, आप हमसे क्रेडिट कार्ड ले लो। एंड गुटखा किंग ने अपनी असलियत बता दी कि मेरे पास में जहर खाने तक की फुर्सत नहीं है, फुर्सत छोड़ दीजिए, मेरे पास में जहर खाने तक के पैसे नहीं है, तो मैं आपसे क्रेडिट कार्ड क्या ही करूँगा, खरीद सकता हूँ मतलब। तो उसने अपनी औकात बता दी, अपनी असलियत बता दी, और उसकी असलियत और उसके औकात को चबूतरा ने कैप्चर कर करके व्लॉग में बता दिया। अरे भाई, नल्ला निकम्मा तो तुम्हारा भाई भी है, फ़िलहाल नहीं है, फ़िलहाल उसे झलक का शो मिला हुआ है, लेकिन उससे पहले नल्ला निकम्मा वो भी था। तो तुम्हारी बहन मतलब भाभी ने तो कभी ये बात नहीं बताई ना व्लॉग में कि हाँ वो नल्ला निकम्मा है, वो तो हमेशा बोलती रहती है यस गाइस जनाब का हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, यस गाइस जनाब का हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, इसलिए मेरे जनाब फ्री नहीं रहते, जबकि सबको पता है कि जनाब कितने फालतू और फ्री बैठे हुए रहते हैं। एंड जब वो फ्री बैठे रहते हैं तो मैडम साहिबा यही कहती है वो अपनी फादर ड्यूटी निभा रहे हैं, गाइस फादर ड्यूटी निभा रहे हैं, और जब तक रूहान नहीं था तब तक अपने बेटे का फ़र्ज़ निभा रहे हैं, गाइस अपने हस्बैंड का फ़र्ज़ निभा रहे हैं, लेकिन कभी भी उसकी असलियत नहीं बताई कि हाँ वो नल्ला निकम्मा घर पे बैठा हुआ है। लेकिन चबूतरा मैडम उल्टा ही करती है, उसे जहाँ देखो बस अपने हस्बैंड की बेइज्जती करनी है कि ये नल्ला निकम्मा है, इसके पास में जहर खाने के पैसे नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड क्या ही खरीदेगा। एंड गुटखा किंग, तुम चबूतरा के साथ रह करके तुम्हारा भी स्पीच, तुम्हारा भी इंग्लिश थोड़ा सा मतलब डमाडोल हो रहा है, बिकॉज फ्रस्ट्रेटेड को ये फ्रस्ट्रेटेड बोलता है कि लोग भी सोच रहे होंगे कि वो बेचारा कितना फ्रस्ट्रेटेड है, तो मैं क्या ही उनको बोलूँ क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, कहीं जहर वहर नहीं खा ले। तो वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता है, वो फ्रस्ट्रेटेड होता है गुटखा किंग, थोड़ा सा अपनी इस इंग्लिश पर तुम भी ध्यान दे दो। उसके बाद ये सब नौटंकी हो जाने के बाद आगे ये लोग चले जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने इंस्टाग्राम के जितने भी इन्हें कोलैबोरेशंस आते हैं उसमें कपड़े, कपड़े जो कोलैबोरेशंस के लिए आते हैं वो ये डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अभी इसके घर पे शादी है तो उतने सारे आउटफिट्स में से कोई भी आउटफिट ये पहन सकती थी शादी के फंक्शन में, लेकिन मजाल है कि चबूतरा ऐसा कुछ करेगी, चबूतरा को सिर्फ़ और सिर्फ बाहर के कपड़े ख़रीदने हैं एंड पैसे वेस्ट करने हैं। एक तरफ ये चबूतरा जो है वो कपड़ों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, दूसरों को देगी, और दूसरे तरफ जा कर के खुद कपड़े खरीदेगी। मतलब ऑलरेडी इसके पास में कपड़े आए हुए हैं, ऑलरेडी इसके पास में अच्छे खासे कपड़े हैं, उनके कलेक्शंस हैं, लेकिन उन्हें ये यूज़ नहीं करेगी, उन्हें वो गरीबों में बांटेगी, क्योंकि महानता भी तो दिखाना है। जैसे कुछ टाइम पहले ब्लैंकेट बांट रही थी एंड फिर घर पर निकाह है तो निकाह के लिए स्पेशली जा कर के शोरूम से ड्रेस खरीदने हैं। मतलब इतनी नौटंकी और इतने पैसे को वेस्ट करना, खर्च करना हमेशा से इनकी आदत है। एंड मैं तो क्या, अधिकतर लोग जो इनके ऊपर पॉडकास्ट बनाते हैं, रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, सब ने यही कहा है कि इनके पास में जितनी जितने मतलब पैसे हैं ना, जितने भगवान की कृपा से इन्हें पैसे मिलते हैं उसका चार गुना ये लोग वेस्ट करते हैं। एंड क्यों करते हैं मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि अगर आपको कोई चीज़ मिली है तो उसकी कदर आप क्यों नहीं करते, उसको इस तरह से हवा में मतलब पानी की तरह क्यों बहा दे रहे हो कि हवा में उछाल दिया, हवा में फेंक दिया, पानी में बहा दिया। ऐसे ये लोग बहा रहे हैं पैसे को। आप लोगों को ध्यान में होगा कि नोटबंदी के टाइम पर जिनके पास भी काफ़ी सारे ब्लैक मनीज थे, वो लोग जब बैंक में अपने पैसे को नहीं रख पा रहे थे तो ऐसे ही मतलब पोटली में बांध बांध कर करके बक्से में भर करके पानी में नदी में बहा दिया था उन लोगों ने। सेम वे में चबूतरा भी करती है कि पैसे को एकदम पानी के जैसा बहाती है, जैसे पानी इंसान वेस्ट नहीं करता पैसे में, मतलब पानी के ऊपर पैसे फेंक कर करके वेस्ट नहीं करता, बस वैसे ही ये करती है चबूतरा। इतना ज़्यादा इसे पैसे वेस्ट करने का शौक है।
एंड ज्ञान, आजकल ज्ञान ये भी अपनी भाभी की तरह देने लगी है, बोल रही है कि फ्रेंड्स जिनको जेन्युइन में ज़रूरत होगी वही हमें मैसेज करिएगा, वही हमें कोलैबोरेशन करिएगा, वही हमें डीएम करिएगा कि हमें आपके कपड़ों की ज़रूरत है। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम मौदा में ब्लैंकेट्स दे रहे थे ना, तो जिनके पास में ब्लैंकेट थे वो लालच में आकर के हमसे मांग रहे थे, तो हमने उन्हें यही हिदायत दी कि आप और आपके अल्लाह के बीच का ये कन्वर्सेशन है, हम तो आपको दे देंगे, हमारा तो कुछ बिगड़ेगा, हमारे पास में तो अच्छे खासे पैसे हैं, अच्छे खासे रुपए हैं, हमारे पास में बहुत ब्लैंकेट है, हम खरीद खरीद के सबको दे देंगे। लेकिन अल्लाह देख रहा है फ्रेंड्स, अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह हमें नहीं देखता, हम कुछ भी करें अल्लाह हमें नहीं देखता, लेकिन जो कोई गलत चीज़ करे उसे अल्लाह देखता है। हम भले कितना भी गलत कर लें लेकिन हमें अल्लाह बिल्कुल भी नहीं देखता, हमारी सिर्फ अच्छाई अल्लाह देखता है कि हम सबको ब्लैंकेट्स दे रहे थे फ्रेंड्स, लेकिन जो ब्लैंकेट ले रहे थे ना वो हमसे झूठ बोल करके ले रहे थे, उनके पास में ब्लैंकेट था फ्रेंड्स, तो अल्लाह देख रहा है फ्रेंड्स। तो हमने उन्हें सिखाया कि अल्लाह देख रहा है, इसलिए आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोग को जेन्युइनली में इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग झूठ मूठ में हमसे ले रहे हैं, लेकिन आपको अल्लाह को जवाब देना होगा फ्रेंड्स। तो मैंने अच्छा खासा ज्ञान पेला फ्रेंड्स, जैसे कि भाभी पेलती है बस वैसे ही फ्रेंड्स। आई होप कि आपको मेरा ज्ञान अच्छा लगा होगा, तो आप आगे इसे ज़रूर फॉरवर्ड करेंगे फ्रेंड्स। एंड इन सब नौटंकी के बाद में ये जाती है मॉल जाकर के ड्रेस ख़रीदने के लिए कि फ्रेंड्स हमारे घर में ना निगाह है फ्रेंड्स, तो निगाह के लिए और रिसेप्शन के लिए, दो चीज़ के लिए, दो फंक्शन के लिए मुझे ड्रेस चाहिए। वैसे तो चार फंक्शन है लेकिन मैं क्या ही बोलूँ, मतलब कितने पैसे खर्च करूँगी, कितने वेस्ट करूँगी, अपने लिए खरीदूँगी तो फिर गुटखा गैंग के लिए भी तो ख़रीदना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। तो ये बात डायरेक्ट तो ब्लॉग में नहीं बोल सकती ना कैमरा के सामने, वरना पोल खुल जाएगी। तो मैंने सोचा कि मैं झूठी बोल देती हूँ कि दो ही कपड़े पहनूंगी, इतना मतलब क्या वो करना, मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स, कैमरा में ज़्यादा नहीं बोल सकती। तो दो आउटफिट ये अपने लिए सेलेक्ट करती हैं, लेकिन वो दिखाती नहीं, वो दिखेगा आपको आगे जा कर के, आगे के इनके व्लॉग में। एंड जब ये सब ड्रामा हो रहा था ना, तो चबूतरा बोल रही थी कि मेरी खाला ना पहली बार आई है, आप इनसे मिलो, वो शॉप की जो ओनर थी। लेकिन वो खाला से मिलने छोड़ कर के, मुझे तो हंसी आ रही है कि वो खाला से मिलने छोड़ कर के चली गई गुटखा किंग से मिलने के लिए। मतलब कि यहाँ पर इतना अच्छा खासा पोपट बन गया नाज़ा खाला का, वो हमेशा खुद ही इतना हंसते रहती है कि दूसरे को इरिटेटिंग फील कराती है, दूसरे का पोपट बन जाता है, लेकिन यहाँ पर खुद नाज़ा खाला का इतना बड़ा पोपट हो गया। बिकॉज चबूतरा वो उन्हें मिला रही थी उस शॉप के ओनर से कि देखिए मेरी खाला फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई है, आप उनसे मिलिए, बट वो खाला से मिलने छोड़ करके चली गई गुटखा किंग से मिलने के लिए, और बोल रही है कि हाँ मुझे भी इन्हें देखना था, मैं भी बहुत दिन से इनसे मिलना चाह रही थी, मतलब। एंड फिर बाद में वो खाला से मिली भी नहीं कि स्पेशली, हाँ फिर बाद में वो खाला से मिली, बिकॉज़ अगर मिली होती तो चबूतरा उस चीज़ को ज़रूर कैप्चर करते, बिकॉज़ वहाँ पर ये चीज़ जो है वो पोपट हो चुका था नाज़ा खाला का। लेकिन इस चीज़ को इसने कैप्चर नहीं किया, व्लॉग में दिखाया नहीं, मतलब ज़ाहिर सी बात है कि नाज़ा खाला से वो जो ओनर थी वो नहीं मिली, वो चुपचाप से गई जाकर के गुटखा किंग से मिलने लगी, उसके साथ में हंसी मजाक करने लगी, एंड देन फिर वापस अपने वर्क पे आ गई, यानी कि वो चबूतरा को ड्रेसेस दिखाने लग गई। तो शॉप में सोचिए इतना ज़्यादा बेइज्जती हो गई नाज़ा खाला की, मगर चबूतरा के मुंह से एक उफ तक नहीं निकला। अभी वही नाज़ा खाला की जगह पे उसकी अम्मी होती या फिर कोई और स्पेशल पर्सन होता तो वो ज़रूर बोलती कि अरे नहीं, अरे मैं तो खाला की बात कर रही हूँ, या फिर सामने जो पर्सन है उसके बारे में बात कर रही हूँ, मैं गुटखा गैंग के बारे में थोड़ी ना बात कर रही हूँ, मैं उसे उतना वैल्यू नहीं करती, आप लोग क्यों उसे उतना वैल्यू कर रहे हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज कि वहाँ पर नाज़ा खाला थी, नाज़ा खाला से उसे कोई ख़ास मतलब नहीं है, कुछ मिलने वाला है नहीं, फ़िलहाल मेहर है, तो मेहर को एज अ कंटेंट वो यूज़ कर, सॉरी मेहर नहीं, सारा आई भी है, तो सारा को एज अ कंटेंट वो यूज़ कर रही है, क्योंकि घुमाना फिराना यही सब करना उसका कंटेंट है, एंड हर बार कोई ना कोई अलग पर्सन होना चाहिए ना, हर बार रिजा रेहान को कितना ही कंटेंट बनाएगी, तो सारा आई भी है तो सारा को कंटेंट बना लिया है, एंड सारा को लेकर के घूमने फिरने चली गई है, उसी कंटेंट के ऊपर मैं पूरा ब्लॉग चढ़ दिया। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि कोई भी प्री प्लान नहीं था, पहले से कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था, सडनली ऐसा हुआ एंड सडनली ये लोग चले गए। तो बस इनके ब्लॉग में यही सारी नौटंकी थी जिसके ऊपर मैंने आज का ये पॉडकास्ट बनाया है। आई होप कि आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो बस आज का ये पॉडकास्ट मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट पे।
वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा पॉडकास्ट आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।